वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन। सेपरेट टॉपिक मेंशन किया गया फॉर द अपकमिंग JKSSB लेवल 4 एग्जाम। सो आज के वीडियो में इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ अ पार्ट सेकंड ऑफ जनरल साइंस। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। जियोग्राफी के भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, हिस्ट्री के भी अपलोड हो चुके हैं। सो आप जाके वो सारे वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। ओके, आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। शुरू करते हैं फिर। सो व्हाट इज़ हेल्थ? हमारी सेहत इज़ अ लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2006 में एक डेफिनेशन दिया था। Defined human health in its broader sense, a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Okay, and you know, आज के वीडियो में कुछ definitions, then उसके बाद MCQ शेयर करूँगा strictly according to the syllabus as per JKSSB and जो एक latest book है उसी के according आपके साथ MCQ शेयर करूँगा for your upcoming exam। and सबको news तो मिल ही चुका है कि like eligibility 10+2 ही है। सो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ही करेंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं करना हमने, क्योंकि जब एलिजिबिलिटी ही कम है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आपको उसी तरीके से पूछे जाएंगे। हाइजीन की अगर बात की जाए, हाइजीन इज़ अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म टू प्रिजर्व हेल्थ। लाइक हाइजीन वर्ड से तो आप अच्छे खासे से वाकिफ हैं। ड्यू टू COVID-19 आपने अच्छी हाइजीन मेंटेन की हुई है, अपने हैंड्स फ्रीक्वेंटली वॉश करने, एंड उसके बाद आप मार्केट जाते हो तो उसके बाद आप प्रॉपरली आते हो, उसके बाद लाइक क्लोथ चेंज करते हो, यानी कि इज़ द टर्म कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। राइट नाउ तो COVID-19 की वजह से आपको अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करने ही करने, बट ऐसे भी आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइजीन एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सैनिटेशन। सैनिटेशन रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर द सेफ डिस्पोजल। Also refers to the maintenance of hygienic conditions through services such as garbage collection and wastewater disposal. तो ये पूरी facility sanitation के अंदर जो भी हमारा disposal है, garbage है, तो उसको हम जो एक dispose करने के लिए जो maintain करते हैं, like बनाते हैं, वो हमारी sanitation के अंदर आ गई। Okay, now इसके बाद हम इसके कुछ MCQs शेयर करेंगे जो as per your लाइक JKSSB बुक उसी के अकॉर्डिंग ये MCQ शेयर किए जा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टैंक ऑफ द बैक ऑफ द टॉयलेट। जो आपका टॉयलेट रहता है उसके पीछे जो बैक रहता है टैंक, उसको क्या बोला जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट आपके लिए। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्लश टैंक। ओके, ये तो ईजी आप सबके लिए, ये तुक्का भी मार सकते हो आप। विच स्ट्रीम एनिमल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी, तो ये आपने बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ए ब्लैक फ्लाई लार्वा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड गाइज देखो, ये सारे क्वेश्चंस MCQs में एज़ पर योर बुक्स जो अभी रिसेंटली आपको मार्केट में अवेल हो जाएगी वहीं से बना रहा हूँ। एंड वेल अब मैं तो पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप बुक नहीं भी ले सकते हो तो यू डोंट नीड टू वरी, क्वेश्चन सारे कम्प्लीट हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ओके, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है? मैक्सिमम वेस्ट वाटर हाउसेज से ही होता है। एंड करेक्ट आंसर इज सीवेज, ऑप्शन नंबर सी। ओके, व्हाट इज स्लज? करेक्ट आंसर इज द सॉलिड लाइक फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल दैट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड वाटर, वेस्ट वाटर इज कॉल्ड स्लज। ओके, विच ऑफ द डिजीज कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, कॉलरा। ओके, विच ऑर्गन जॉइंटिस इफेक्ट्स, यानी कि जॉइंटिस हो जाता है तो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज लिवर, ओके, ऑप्शन नंबर बी। According to the reports, which country is the cleanest country of the world? सबसे साफ कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की, ये अपने बताना है। करेक्ट आंसर इज सिंगापुर, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। चंडीगढ़,
जो तो फॉलोइंग एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि COVID-19 को यही हैंडल कर रहा है। इन विच ईयर WHO इज एस्टैब्लिश्ड? 7 अप्रैल 1948। ओके, एंड हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड टेड्रोस अदनोम इसके डायरेक्टर जनरल है, अपने याद रखना। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 37 एंड इन फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, व्हाट इज़ DDT? यानी कि डाइक्लोरीन डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सो करेक्ट आंसर इज ए परसिस्टेंट क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड दिस इज़ अ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस टॉपिक। देखो, आप लोग शेयर लाइक करते रहिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज बनाए जाएंगे। एंड डेली करंट अफेयर का वीडियो तो आपको हमारे चैनल पर विदाउट एनी ब्रेक मिल ही रहा है, एंड इस पर भी प्रॉपर वीडियोस बनेंगे, बट आप लोगों को सपोर्ट इसके लिए करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़, मैक्सिमम स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक डिमोटिवेट भी हो चुके हैं ड्यू टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट थे। बट लेट्स होप कि इसके बाद भी कुछ आपके लिए जॉब्स आएंगी। बट 10+2 लेवल है, तो हमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो इसके रिलेटेड बाकी पार्ट्स भी आएंगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू, एंड बाकी टॉपिक सारे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के जो भी अपलोड हुए, बेसिक सारे अपलोड हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो बाकी उस पर सीरीज़ पे भी काम चल रहा है, तो वो भी ज़रूर आएंगे। तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।